Do you want to say something? Shukla, please tell me. Arre bol bhi de kuch. Dono mulko ke log. Bole nahi ho. Bole. Bole nahi ho. To dekho bhai sahab. ये कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ चार साढ़े चार साल पहले से। हाँ, टेंथ का रिजल्ट आया था और तुम्हारे भाई के अच्छे नंबर भी आ गए थे और अपना ना पहले से ही गर्म खून था और होगा भी क्यों नहीं, नागपुर वाले जो ठहरे। तो इस गर्मी गर्मी में मैंने सोच लिया था कि अपने को कुछ सबसे हटके करना है। सभी स्टूडेंट्स टेंथ के बाद तो जाएंगे इलेवेंथ ट्वेल्थ करने के लिए और अपन ने कुछ हटके करना था। तो क्या फिर अपन ने सोच लिया कि करना है तो पॉलीटेक्निक ही करना है। सब लोग बोलते थे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर नागपुर का सबसे अच्छा पॉलिटेक्निक खोल है और वहाँ पर एडमिशन मिल जाए तो भाई अब भी इसी को सही था। तो फिर क्या मिल गया मुझे एडमिशन। कॉलेज का पहला दिन था, सोचे था बहुत लड़कियाँ होगी, अपनी भी दो तीन गर्लफ्रेंड बनेगी और पूरी अय्याशी वाली लाइफ। हेलो है, मैं नीचे की तरफ आकर। हाँ ठीक है, तो अगर मैं आपके पूरी कहानी बताने बैठू ना तो मेरे ऊपर एक मूवी बन जाएगी। तो आते हैं कॉन्वोकेशन डे के कहानी के ऊपर। तो जैसे जैसे तुम्हारा भाई पास हो गया, हाँ पर एक बात है, तुम्हारे भाई ने कभी लाइफ में चीटिंग नहीं करी। मैं पहले से ही सोच के रखा था कि कॉन्वोकेशन डे वाले दिन अपनी एंट्री एकदम रॉयल, मतलब किसी ने ऐसी एंट्री नहीं करी होगी, वैसी अपनी एंट्री होनी थी। तो जैसे फुकरी मूवी में हनी और चूचा घोड़े पे कॉलेज में एंट्री करते, तो वैसे मैंने भी सोचा था कि गांजा मैन और मैंने बुलेट पे एंट्री करनी है। तो कॉन्वोकेशन डे के लिए तुम्हारा भाई बढ़िया बाल वाल सेट करके एकदम वैक्स वैक्स लगा के घड़ी वड़ी पहन के एकदम फुल रेडी हो गया था, मतलब पाँच छः लड़कियाँ तो देख के मर ही जानी थी। तो फिर क्या, बुलेट से तो जाना ही था। गांजा मैन ने उसके चाचा की बुलेट भी ला ली और एंट्री भी किए बुलेट से, पर मसला ये हुआ कि कोई शूट करने वाला ही नहीं था। दोस्तों को बोला भाई शूट कर दे, वो बोले ये क्या टिकटॉक बना रहा है। अब वो क्या समझे ये टिकटॉक नहीं था। उस दिन ना कॉलेज में कुछ अलग ही माहौल था, सबके आँखों में थोड़ी नमी भी थी और सब खुश भी थे। और आँखों में नमी होगी भी क्यों, क्योंकि उस दिन कॉलेज से सब लोग ऑफिशियली जुदा हो रहे थे। सब लोग कॉलेज में एकदम बंधन के आए थे कि जैसे उनकी शादी हो रही हो। और खुशी इस बात की थी कि जहाँ पे पिछले तीन चार साल गुजरे थे वही जगह पे वापस से सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। उस दिन मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो मोमेंट को मैं जीना चाहता था, ज़्यादा गहरा हो गया ना। और उस दिन ना मुझे मेरे दोस्तों के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे याद आ रहे थे, वही क्लास बंक करना, वही पुराने झगड़े और बहुत कुछ। और उस दिन ना मैं मेरे सभी दोस्तों से भी मिला और चलिए आपको भी मिलाता हूँ। तो ये हमारे साथ लक्की भाई। लक्की भाई आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाले नहीं हो वाले। और ये मेरे साथ मिस्टर हैप्पी बेस्ट एडिटर, क्या बोलना चाहोगे आप? बोला ये नागपुर का बहुत बड़ा शेक होती। अरे हनी मेरा भाई, आप कुछ कहना चाहोगे ब्लॉग में आके? फेमस होने जा रहा है भाई, तू रोया क्यों? कहा गया? अरे कहा गया भाई, झूठे तेरे वादे झूठे तेरी कसम भाई, एक लड़की के लिए सब भूल जाते। वे व्लॉग चालू है ना तुम लोग, ये क्या ही ला रहा था जरा। लड़कियां तो लड़कियां दिख रही है। और तो अगम भाऊ आपल्याला कसं वाटतं पास यायला? छान, एकदम झरझर होती पोत्या। तुम्हाला कसं वाटतं तीन वर्षात एकदम डिप्लोमा पास झालं? और ये हमारे गुड्डू मॉडल फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। तो गुड्डू आप हमारी जनता को कुछ बोलना चाहोगे आपके पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, मारेंगे निकलो। तो ये अवंती है मेरे क्लास की सबसे सुंदर लड़की, जिसपे पूरे दो तीन लड़के तो मरते हैं, देखने में इसकी सुंदरता एकदम गोरी चमड़ी। और ये मेरा भाई देखवीर। यस बॉय वतन, लुकिंग सो गुड। आजकल बहुत काम वाम कर रहा है मेरा भाई, लेकिन आज आया टाइम निकाल के हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो करता हूँ, तू ही मेरे मैसेज फील नहीं करता। ओह क्रैप। हियर इज द गाय फ्रॉम बजेरिया, डू यू वांट टू से समथिंग? नो नो, आई डोंट हैव नाउ टाइम, आई विल कम बैक डू माय वर्क। या दिस इज एन अल्लाह पर वन डे। शो माय शूज। या लुक एट दिस, इट्स प्रीटी प्रीटी गुड।
Don't tell anyone, it's only 3000. 300. $300. Thanks, buddy. तो ये अश्विन और कोमल ये दोनों मेरे फर्स्ट ईयर से दोस्त हैं. अश्विन जल्दी पास आउट हो गया और कोमल को थोड़ा टाइम है, तो कुछ बोलना चाहोगे दोनों? Yes, I'm here from last 6 years. I'm doing very well right now and in the future as well. He's my friend from last 6 years. We had a very good relationship between both of us. And he's my another friend, Ashwin. We are doing very good together. And he'll say something from my behalf of my mind. आजचा खूप आनंदाचा क्षण आहे. मी ज्या दिवसाच्या खूप उत्साहानं वाट बघत होतो आज तो दिवस आलाय. माझ्या मित्राने आज डिप्लोमा घेतलाय, मी खूप आनंदात आहो. पण मी तो क्षणाचा वेट करत आहे की कोमल कोणत्या दिवशी तो डिप्लोमा घेणार. मी त्या दिवसाच्या खूप आतुरतीने वाट बघतोय. बस इतकंच आज. हाँ, तो मैं पाकिस्तान से हूँ. मैं यहाँ पे जब भारत में आया तो मैं घूम गया था, तो उसके बाद ये लोगों ने मुझे सहारा दिया और मेरा एडमिशन करा के दिया कॉलेज में. और अब मैं पढ़ पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन गया हूँ. पर मेरा मेरा बहुत मन है वापस अपने मुल्क में जाने का. मुझे प्लीज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे पाकिस्तान तक भेजिए. ये मेरा दोस्त पाकिस्तान का है, इसको ज़रूर अपने को पाकिस्तान ही पहुँचाना है. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें वतन मेशराम के थ्रू. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू भाई. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. बस आहे तू? मी बरा. पास वगैरे झालं? बस आता. हो का? आता कोणते ऍडमिशन? आता इंजिनिअरिंग. और भाई तुम लोग भी कुछ बोलना चाहते हो? सब बढ़िया भाई. भाई को फॉलो करो, नागपुर का एक नंबर वन ब्लॉगर है.